मैं आपको नेट सीज बताता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। इसको कहते हैं मिसिंग टर्म्स। मिसिंग टर्म्स, मिसिंग टर्म्स से पहले बच्चों मैं थोड़ा सा आपको एक बेसिक कंसेप्ट पे बताता हूँ। स्ट्रेट लाइन के लिए आपको कितने पॉइंट की जरूरत है? स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है तो मेरे ख्याल से ये सभी लोग जानते होंगे कि दो पॉइंट से ये ए और बी, अगर कोई दो पॉइंट मिल जाए तो आप इजीली उन दोनों को कनेक्ट करने वाली लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसका मतलब स्ट्रेट लाइन के लिए आपको दो पॉइंट चाहिए। मैथमेटिकली स्ट्रेट लाइन का मतलब एक लीनियर एक्सप्रेशन। तो लीनियर एक्सप्रेशन ऐसे लिखो या वाई टू एम एक्स प्लस सी लिखो, क्या फर्क पड़ता है? हुआ तो एक्स में लीनियर ही। तो अगर मेरे पास कोई लीनियर एक्सप्रेशन है, मतलब तो लाइन की इक्वेशन है, तो मुझे दो पॉइंट चाहिए। तो बच्चों इसको थोड़ा सा जनरलाइज करिए। अगर मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो फिर मुझे, आदित्य कुमार आपका माइक म्यूट नहीं हो पा रहा है, मैं फिर हटा दूं आपको। मैं आप अगर कंप्लेन भी करूंगा इसके बाद मैडम से, मैं एक बार माफ कर चुका हूँ बेटा आपको। आप मुझे पढ़ाई से बार बार डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। आदित्य कुमार माइक म्यूट करिएगा, अगर दोबारा हुआ तो फिर सोचिएगा। मैं पूछ रहा हूं कि अगर आपके पास लीनियर एक्सप्रेशन है तो उसमें आपको दो पॉइंट चाहिए, आप दो पॉइंट की मदद से लाइन की इक्वेशन निकाल लेते हैं ज्योमेट्री में। तो अगर आपके पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है तो कॉमन सेंस लगाइए, कितने पॉइंट होने चाहिए? पिछले वाले में दो पॉइंट थे, आप दो अननोन थे, एक ए था और एक बी था। यहां कितने अननोन? हाँ बिल्कुल कॉमन सेंस थ्री है। आपके पास अगर तीन पॉइंट होंगे तो आप क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। तो फिर थोड़ा और जनरलाइज करो यार, अगर मेरे पास क्यूबिक इक्वेशन है तो इसको निकालने के लिए मुझे कितने पॉइंट चाहिए? फोर फोर फोर, वेरी गुड। तो मतलब आप ध्यान से समझो, आपने कहा चार पॉइंट्स हैं तो आप उससे थ्री डिग्री पॉलिनोमियल निकाल सकते हो ना उनकी मदद से। यही तो मतलब हुआ है। तो बच्चों इस हिसाब से अगर एन पॉइंट्स आपको दिए होंगे तो आप कितने डिग्री की पॉलिनोमियल निकाल सकते हो वहां? एन अब एन पॉइंट्स हो तो एन माइनस वन डिग्री की पॉलिनोमियल आप निकाल सकते हैं। बस इतनी नॉलेज बहुत है, तो थोड़ी सी हमारी नॉलेज बढ़ी कि हाँ भाई हम ऐसा कर सकते हैं। तो चलो मैं आप एक सवाल कराता हूँ। मिसिंग टर्म्स के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं और उम्मीद है एक आध सवाल आएगा। इसको कैसे करें? आपके पास सवाल ऐसा होगा, एस्टिमेट द मिसिंग टर्म इन द फॉलोइंग टेबल। इन द फॉलोइंग टेबल, हाँ बच्चों ये एच टी वैल्यूज है और ये एफ एच टी वैल्यूज। एच टी वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4।
एफएक्स की वैल्यूज 139139, यहां पर पता नहीं है, यही निकालना है। और 4 के आगे 81, और हमसे पूछा गया है एक तरह से F3, इसका मतलब ये हुआ जहां पर 3 है वहां पर एफएक्स की वैल्यू नहीं पता है, ये क्वेश्चन मार्क है, और यही पूछा भी गया है। तो अब आप लोग ये बताओ कि आपको कितने पॉइंट्स मिले हुए हैं पूरे। पॉइंट का मतलब होता है एक्स कॉमा वाई, और आप लोग एक्स वाई को एफ एक्स भी लिखते हैं, तो एक्स एफ एक्स पूरे पूरे कितने मिले हुए हैं। देखिए 0.1 है पहला पॉइंट, दूसरा 1.3 है, तीसरा पॉइंट 2.9 है, और चौथा पॉइंट 4.81 है। अरे भाई इतने ही पॉइंट दे रखे हैं, नहीं सोचो पहले। एक और पॉइंट है 3, वो वाला नहीं बेटा, वो 3.x वो अननोन है, वो पॉइंट दे नहीं रख रहा है। वो वहां पर 3 पर वैल्यू पूछी गई है ना, आप मेरी बात समझ रहे हैं, यहां पर वैल्यू नहीं मालूम है। तो आप उन पॉइंट्स को देखिए जो दे रखे हैं। तो 0.1 ड्रॉ करिए प्लीज, 1.3, 2.9, 4.81। ठीक है सभी लोग समझ गए? यस सर। तो हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं। 4 पॉइंट से किस ऑर्डर की पॉलिनोमियल निकाली जा सकती है? 3 डिग्री पॉलिनोमियल निकाली जा सकती है। अगर 3 डिग्री पॉलिनोमियल निकाली जा सकती है तो उसका फोर्थ डिफरेंस क्या आ जाएगा उस पॉलिनोमियल का? 0। बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस। ध्यान से सुनो, 4 पॉइंट दे रखे हैं तो 3 डिग्री पॉलिनोमियल 8 बन सकती है, और उस 3 डिग्री पॉलिनोमियल का अगर 4 बार डिफरेंस ले लें तो 0 आ जाएगा। ठीक हो गया। डेल्टा जी जो क्या लिख सकते हैं, ई माइनस 1, क्योंकि हमने ये पढ़ा था इक्वल टू 1+ डेल्टा पढ़ाया था मैंने ऑपरेटर में, तो मैंने ऐसे लिख दिया है। ई माइनस 1 की पावर 4 को खोलना है बच्चों, आता है तो ठीक है, नहीं तो ई माइनस 1 स्क्वायर 2 बार कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, जैसे करना है कर लो, वो तो आप कर ही लोगे धीरे धीरे। तो ये आ जाएगा ई की पावर 4 माइनस 4 ए क्यूब प्लस 6 ए स्क्वायर माइनस 4 ई प्लस 1 एफ एक्स इक्वल टू 0। देखो कितना सिंपल लॉजिक है। एग्जाम में आप डायरेक्टली ऐसे नहीं लिख सकते, आपको पूरी बात लिखनी पड़ेगी। मैंने जानबूझ के नहीं लिखी, आप लिखेंगे सिंस देर आर 4 गिवन पॉइंट्स सो वी कैन हैव अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 by fundamental theorem of difference calculus, its fourth difference will be 0, तब आप ये लिखेंगे, तब आपको पूरे नंबर मिलने चाहिए। अच्छा एक बार बताओ, एक्स की वैल्यू में जो इंक्रीमेंट हो रहा है, टेबल देख के बताइए, एक्स की वैल्यू पहले 0 थी, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, तो आपके हिसाब से एच क्या होना चाहिए? N+1। अरे एच यार इंक्रीमेंट, एक्स की वैल्यू में कितना इंक्रीमेंट हो रहा है हर स्टेप में? 1 1 1 1। तो एच कितना हो गया? व्हाट इज द अरे यार बच्चों, एक्स की वैल्यू मैंने बताई थी a+h a+2h, आप उसको समझिए ना कि एच टी वैल्यू में बढ़ोतरी कितनी हो रही है हर बार, एच टी हो रही है। तो टेबल में जो हो रहा है एच, वो 1 की बढ़ोतरी है, तो एच 1 है इस सवाल में, कोई बताएगा थोड़ी, वो तो देख के खुद ही ऑब्जर्व करना है। तो ये ई टी पावर 4 एफ एक्स
minus 4 a cube fx plus 6 a square fx minus 4 e fx plus fx equal to 0. ये हो जाएगा f of x plus 4, चार स्टेप आगे क्योंकि h 1 है, माइनस 4 f x plus 3, 6 f x plus 2, माइनस 4 f x plus 1 plus f x equal to 0. अब बच्चों ये आते ही आप x की जगह 0 रख दीजिए सबसे पहली वैल्यू, तो क्या हो जाएगा ये एक्सप्रेशन f4 माइनस 4 f3 प्लस 6 f2 माइनस 4 f1 प्लस f0 इक्वल टू 0. अब आप लोग मुझे बताइए F4 कितना है? 81. माइनस 4 F3 निकालना है, F3 प्लस 6 F2 की जगह पर 9 माइनस 4 इंटू F1 3 और F0 1. तो अब बताओ इसको कैसे करें. 81 माइनस 4 F3 प्लस 54 माइनस 12 प्लस 1 इक्वल टू 0. तो F3 आ जाएगा जो आना है, मैं बुक से उठा के दे दे रहा हूँ सीधे 31. मिसिंग टर्म कैसे निकालते हैं क्या मैं समझा पाया? यस सर. आप लोग नोट कर लिया तो ठीक, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए. मैं थोड़ा पीछे जा रहा हूँ, फिर ऊपर को एक बार दोबारा समझा देता हूँ. ये था सवाल, मैं रिपीट कर रहा हूँ बच्चों. जो अननोन है उसे छोड़ो, जो पूरे दे रखे हैं वो पॉइंट देखो कितने हैं, 4 पॉइंट है. तो आपको जो लिखना है वो मैंने जानबूझ के नहीं लिखा है, वो लिखना ये है कि सिंस वी हैव 4 पॉइंट्स so we can have a polynomial of degree 3. तो आपके पास 4 पॉइंट है तो 3 डिग्री की पॉलिनोमियल होगी. अगर 3 डिग्री की पॉलिनोमियल है तो उसका फोर्थ डिफरेंस 0 आना चाहिए बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस, पर इससे काम चल जाना है हमारा. बाकी तो गुणा भाग कैलकुलेशन है, दाएं बाएं कैलकुलेट करो और x की वैल्यू वो रख दो जो सबसे पहले थी 0. हो गया सवाल, f3 आ गया. आप बच्चों टेबल देख के अंदाज नहीं लगा पाएंगे 31 ही आएगा, पता ही नहीं है क्या आना है. तो मिसिंग टर्म के क्वेश्चंस आपको दो एक दो प्रैक्टिस कर लेना भाई. ऐसे सवाल जरूर करिएगा जिसमें दो टर्म मिसिंग. ये ऐसा सवाल था जिसमें एक ही टर्म मिसिंग थी. मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, मैं 2-3 दिन से पढ़ा रहा हूं, मैं आपको उसे बार बार पूछ रहा हूं. ठीक, अगर मैं आपकी जो जरूरतें हैं वो पूरी नहीं कर पा रहा हूं तो प्लीज आप मुझे जरूर बताइएगा, मैं खुद ही ट्वीट कर जाऊंगा, कोई बात नहीं. लेकिन अगर मैं समझा पा रहा हूं तो पेशेंस के साथ आपको सुनना चाहिए, क्या दिक्कत है? अगर हम इतना नहीं सिखा पाए अपने बच्चों को तो फिर क्या कह सकता हूं. मिसिंग टर्म का एक क्वेश्चन और करते हैं. फाइंड मिसिंग टर्म्स, इस बार दो मिसिंग टर्म कर लेते हैं. ये x की वैल्यू है और ये fx की वैल्यू है. x की वैल्यू है 2
2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6. एफएक्स की वैल्यू है 0.135, ये अननोन है, ये 0.111, 2.3 में 0.100, 2.4 में भी अननोन है, 2.5 में 0.080 और इसमें 0.07, दो दो वैल्यू अननोन है। तो जो अननोन है वो तो ठीक है, बाकी कितने पॉइंट दे रखे हैं? तो 5 5, 8 ये हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, 5 पॉइंट्स हैं। तो कितने डिग्री की पॉलिनोमियल बना सकते हैं? 4 डिग्री की पॉलिनोमियल होगी। तो 4 डिग्री की पॉलिनोमियल का अगर 5 बार डिफरेंस ले ले तो 0 बस। हाँ बढ़िया, बस इतना ही समझना है यार। अब उसके बाद e माइनस 1 की पावर 5 कर देना है। इसको सॉल्व करोगे अगर आपको बाइनोमियल आता है ठीक, नहीं तो e माइनस 1 स्क्वायर कर लो, क्यूब कर लो, अलग अलग मल्टीप्लाई कर लो। तो अब मैं सीधे लिख दे रहा हूं, e की पावर 5 माइनस 5 e की पावर 4 प्लस 10 ए क्यूब माइनस 10 ए स्क्वायर प्लस 5 बी माइनस 1 ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0। अब ये क्या होना चाहिए आप खुद ही सोचो, ई 5 एफ एक्स कहां पहुंचाएगा? यहां पर एच कितना है? 0.1। वेरी गुड। तो मैं एक बार रफ में आपको दिखाता हूँ, ई 5 एफ एक्स है तो वो कहां पर ले जाएगा आपको? एफ एक्स प्लस 5 एस ना, और एच आपने पहले ही कहा है कि इस समय जो एच है वो 0.1 है, तो ये कहां हो रहा, एक्स प्लस 0.5 माइनस 5 एक्स प्लस 0.4 प्लस 10 एफ एक्स प्लस 0.3 माइनस 10 एफ एक्स प्लस 0.2 प्लस 5 एफ एक्स प्लस 0.1 माइनस एफ एक्स इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1। क्या मैं समझा पाया आप लोगों को? किसी को नहीं आया घबराइए मत, सवाल पूछने में थोड़ी दिक्कत है, मैं बार बार पूछ कह रहा हूं, पूछिए प्लीज। अरे भाई इसमें घबराओ मत, किसी को नहीं आया तो बोलिए, या सबको क्लियर है? सर ये स्टेप दोबारा समझा दो। हाँ तो मैं 2-3 बार पूछ रहा हूँ यार, फटाफट ट्रे दीजिए है ना बेटा। ई टी पावर आपने जिन्होंने पूछा है आप ही बताइए, ई टी पावर एन एफेक्ट्स क्या होता है? बोलिए बोलिए। एफ एक्स प्लस एच। अच्छा बस, इसका मतलब आप या तो पहले थे नहीं या आपने पढ़ा नहीं है। 8 बार करोगे तब एक्स प्लस एच है, एन बार है तो कितना होगा भाई, कोई बताओ इसको। एफ एक्स प्लस एन एच। एक्स प्लस एन एच। हाँ तो जो n पावर है वो है और h इस सवाल में 0.1 है, तो पहले h में ही रख लो फिर h की जो वैल्यू रख देना, 0.1 आ जाएगा। अब ऐसा करिए h की पहली वैल्यू रख लेते, लेट h इक्वल टू 2,
तो ये क्या क्या आ जाएगा, F2.5 माइनस 5 F2.4 प्लस 10 F2.3 माइनस 10 F2.2 प्लस 5 F2.1 माइनस F2 इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें क्या क्या अननोन है बच्चों? F2.1 और 2.4 ठीक हो गया, 8 इक्वेशन बन रही है। एच की अगली वैल्यू रखो, अगली कितनी है 2.1। किसमें रखे, कहाँ रखेंगे? इक्वेशन वन। वेरी गुड, बढ़िया, इक्वेशन वन। तो अब क्या हो जाएगा, 2.1 रखेंगे तो F2.6, 5 F2.5 प्लस 10 F2.4, सब में 0.1 बढ़ा दो पिछले वाले में, माइनस 10 F2.3 प्लस 5 F2.2 माइनस F2.1। यहां भी वही आएगा, 2.1 पता नहीं है और 2.4 पता नहीं है, कोई बात नहीं। आप बाकी वैल्यू आप ऊपर टेबल से उठाते रख सकते हैं। तो होगा ये F2.1 और F2.4 में दो इक्वेशन बन जाएंगे, तो उन्हें सॉल्व कर सकते हैं या नहीं? यस सर। हाँ, बस उन्हें आपस में सॉल्व करना है, जैसे एक्स और वाई में दो लीनियर इक्वेशन होती है यार, सेवंथ का सवाल बन जाएगा। अगर दो टर्म मिसिंग है तो ये तरीका है, नॉर्मली मुझे उम्मीद नहीं है इतना आएगा, 8 टर्म मिसिंग हो तो ज्यादा इजी है, दो है तो वही प्रोसीजर दो बार कर लेना है। मैं आपको करिएगा बाद में, मैं बुक के अकॉर्डिंग जो लिखा हुआ है मैं वो आपको बता दे रहा हूँ। इन्होंने जो आंसर निकाला है F2.1 है 0.123 और F2.4 है 0.09। आप करिएगा जरूर, मेरा सजेशन यही है आपसे। और देखो बच्चों, प्रैक्टिस की तो कोई लिमिट नहीं है, अब आपकी मेहनत है आप कितने प्रैक्टिस करते हैं। अब मैं इस चैप्टर को यहीं पर रोकूंगा आपके लिए, हमने ऑपरेटर और उनका एप्लीकेशन सीख लिया। अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास से पढ़ाऊंगा इंटरपोलेशन, फॉरवर्ड डिफरेंस वाला, लेकिन कल मैं आपकी क्लास नहीं ले पाऊंगा, कल हमारा लास्ट वर्किंग डे है, तो उसके बाद मुझे हल्द्वानी से द्वाराहाट जाना है, और अगर मैं हल्द्वानी से शाम को 3:30 भी निकलूँ तो रात को 7:30-8 बज जाते हैं द्वाराहाट आने तक, तो फिर उसके बाद मैं मैसेज कर दूंगा आपको, या आप लोग छुट्टी चाहते हैं तो वो बता दीजिए। हेलो क्लास लेनी है या छुट्टी लेनी? छुट्टी। ठीक है, तो आप क्लासेस कब से स्टार्ट करना पसंद करोगे? दिवाली के बाद। नहीं, दिवाली के बाद तो हम दिसंबर में भी कर सकते हैं, मतलब दिवाली के बाद क्या प्रॉब्लम? दिवाली के बाद सर, जब आप मतलब 24 की दिवाली हो गई, 26 से कर लेंगे। अच्छा, चलिए ये आपका सजेशन है 26। आपके बाकी साथियों की क्या राय है बच्चों? सर आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से देख लीजिए। यस सर। ठीक है, 26 अगर दिक्कत ना हो तो हम शुरू कर सकते हैं, शाम को पढ़ा दूंगा।
चलिए ठीक है, बातचीत चल रही है 26, तो दीपावली की शुभकामनाएं आप लोगों को, ठीक है, जितना पढ़ा है आपको भी सर, थैंक यू।